प्रिया, तुम राम की लाइफ में कुछ ही घंटों की मेहमान हो, उससे ज्यादा देर टिकने की कोशिश भी मत करना, और अपनी बेटी का इस्तेमाल करने की तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो प्रिया बीच में नहीं आती तो आज ये सारी तैयारियां मेरे लिए हो रही होती। राम, राम तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। रियली? तुम्हें ऐसा लगता है? कि मुझे तो लगता है कि जब भी हम एक साथ आते हैं ना, तो जो कुछ ठीक चल रहा होता है ना, वो भी खराब हो जाता है। राम, लेकिन आज सब अच्छा होगा, इसीलिए तो हम उसे लाए हैं ना यहाँ पर, तुम्हारी और मेरी शादी का प्लान कैंसिल करके। I'm sorry, वो तुमने और मॉम ने काफी सोच के प्लान डिसाइड किया था, लेकिन सब कुछ बदलना पड़ा, वो भी अचानक। It's okay, you don't have to be sorry. मैं जानती हूँ ये डील तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी हम इस डील के लिए ही शादी करने वाले थे ना, तो मैं अपसेट क्यों होंगी? हाँ, मैं इस बात को लेकर थोड़ा परेशान थी कि तुम ईशान वाले मैटर में पता नहीं मुझे माफ़ कर पाए हो या नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी राम, वो सब मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सारा और विक्रांत को अलग करने का प्लान सक्सेसफुल करने के लिए किया। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। अरे भाई, ऑल सेट। क्या बात है, आपको जच रहे हो? थैंक्स शुभम, वैसे मास्टर प्लान तो तेरा ही था। वैसे काम होने से पहले सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, थंब रूल है ये किसी भी गुड प्लानर का। पर मैं तो बेस्ट हूँ ना, तो ये रूल मेरे पे अप्लाई नहीं होता। ये सब नाटक है राम, उसके बारे में इतना सीरियसली मत सोच, और ये भी मत भूल कि उसने तुझे धोखा दिया था। वेदिका, काफी खूबसूरत लग रही हो आज तो। हाँ, रियली ब्यूटीफुल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.